की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर में, कल से कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू हो रहा है। रायपुर एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट बढ़ चुका है। कांग्रेस नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश पहुंचे हैं रायपुर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद हैं। कांग्रेस डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए मोहन मरकाम पहुंचे। आज शाम 4:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी आज रायपुर पहुंचेंगे। सुशील कुमार शिंदे, रणदीप सुरजेवाला भी आज रायपुर पहुंचेंगे। 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। तो रायपुर में कल से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, अंबिका सोनी मैम जी और सभी जो स्टीयरिंग कमेटी के नेता आज पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जोरदार तैयारियां शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन की व्यापक तैयारियां हो रही है। यहाँ से हम लोगों का हेल्प डेस्क लगेगा, यहाँ से हम लोग जैनम प्लेस ले जाएंगे, वहाँ से फिर जिस जिस होटल में जो अतिथियों को रुकाया जाएगा वहाँ वहाँ फिर उनको मतलब वहाँ से पुरस्कार सम्मान पहुँचाया जाएगा। इधर रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर, अंतिम रूप देने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तैयारियों को लेकर अलग अलग समितियों की बैठक भी होगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से। तो अधिवेशन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए इस बैठक में चर्चा होगी और आज ये अंतिम रूप देने के लिए पहली बैठक कांग्रेस की हो रही है। तैयारी को लेकर अंतिम समीक्षा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल होंगे। तो आज कांग्रेस की महाधिवेशन को लेकर बड़ी बैठक और अंतिम बैठक, इस बैठक में आखिरी जो है वो रोडमैप यहां पर तय किया जाएगा। अधिवेशन की तैयारी को लेकर अंतिम रूप देने की चर्चा होगी। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी नेहा केशरवानी से। नेहा, आज वीआईपी मूवमेंट लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा राजधानी रायपुर में, फिलहाल कैसी तैयारियां, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से जो है वो वीआईपी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके पहुँचने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। रायपुर एयरपोर्ट में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अब जो है 1 से 5 बजे तक सबसे ज़्यादा जो है वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूँकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो 2:00 PM पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम जो नेता मंत्रीगण हैं वो उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो अब लगातार जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर जयराम रमेश जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे वे जो है वो जैनम भवन के लिए रवाना हो गए हैं और मेहमानों को रिसीव करने के लिए भी तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जानकारी दी कि जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि साउथ के भी जो एक बड़ा डेलीगेट्स का ग्रुप यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तो तमाम लोगों को सबसे पहले एयरपोर्ट से जो है वो जैनम भवन ले जाया जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर उनके ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है और उसके बाद सीधे वे जहाँ जहाँ होटलों में उन्हें रुकाया गया है वहां पर वे सीधे जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। सुरक्षा व्यवस्था की यदि मैं बात करती हूं तो एयरपोर्ट की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहां पर भी जो है अलग से बैरिकेटिंग की गई है और फिलहाल पूरी तरह से 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है क्योंकि आज से ये 2 से 3 दिनों तक वीआईपी मूवमेंट्स चलेगा। तो एयरपोर्ट पर ही काफ़ी बड़ी संख्या में जो बैरिकेटिंग है वो की गई है, लोहे की बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो ये तो एयरपोर्ट का नज़ारा है और एयरपोर्ट से अधिवेशन स्थल तक जो 6:00 से 11:00 तक भारी वाहनों के आने जाने का भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है सुरक्षा के ही लिहाज से, और तमाम जो वहाँ पर मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए तमाम जो संगठन के लोग प्रदर्शन करते थे उन पर रोक लगा दिया गया है। रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी व्यवस्था है, बस स्टेशन में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँचेंगे। बड़ी बात यही, और ऐसे में उनके आने को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कुछ वक्त तय किया गया है?
बिल्कुल देखिए, शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो पहुंच रहे हैं और उनकी अगुवाई करने के लिए अभी तक जो शेड्यूल आया है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो खुद एयरपोर्ट आ सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए जो कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और सभी अपने जिम्मेदारी के हिसाब से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो तमाम अलग डेलीगेट्स हैं उनके लिए कुछ अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, तो अलग अलग जिम्मेदारी का वहन करते हुए जो है तमाम लोगों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ से सबसे पहले उन्हें जैनम भवन जो कि रायपुर एयरपोर्ट से महज कुछ ही दूरी पर है वहाँ ले जाया जा रहा है। वहाँ पर उनके ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, तमाम रुकने की व्यवस्था और उसके बाद होटलों में जो है वो भेजा जा रहा है। तो इसी तरीके से कल अधिवेशन की शुरुआत होगी, तो कल सीधे जो है अधिवेशन स्थल पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी नेहा, चूंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, सुरक्षा की बात आपने कही, सुरक्षा लगातार वहाँ पर बनी हुई है, तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के वहाँ पर तैनात किए गए हैं, सरकार की ओर से किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैबिनेट के मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, मोहन मरकाम की क्या भूमिका होगी, सीएम भूपेश बघेल किस तरह से नजर आएंगे? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री जो है वो अलग अलग विभागों के तहत जो है उन्हें बांटा गया है। जो मेहमान होंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है, उसके अलावा उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था है वो तमाम अलग अलग मंत्रियों को दी गई है। पीसीसी मोहन मरकाम फिलहाल जो बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, डेलीगेट्स जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी अगुवाई के लिए जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल पर भी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है, तो वहाँ पर कई मंत्रियों का जो दौरा है वो वहाँ पर लगा हुआ है, लगातार वे सुबह से आना जाना कर रहे हैं। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में अभी शुरुआती दौर में जो है वो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहाँ पर नजर आए हैं, चूंकि वो सुबह से ही रायपुर एयरपोर्ट से जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उन्हें लेकर वे जैनम भवन पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ा मूवमेंट जो है वो कल देखने को मिलेगा, राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो खुद यहाँ पर और भी जो तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। फिलहाल आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, कल राहुल गांधी पहुंचेंगे और लगातार वीआईपी मूवमेंट आज रायपुर में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सहयोगी नेहा केशरवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए।